हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल बी एस सिविल इंजीनियर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्लिंथ बीम के नीचे जो ब्रिक वर्क कराते हैं वो कैसे कराते हैं और क्यों कराना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपना प्लिंथ करवा चुके हैं, अपने घर के लिए प्लिंथ डाल चुके हैं और आप चुनाई करवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो पूरी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि प्लिंथ बीम के नीचे कैसे चुनाई करते हैं और उसके क्या प्रोसेस होते हैं। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए प्लिंथ बीम डलवा चुके हैं और आप चुनाई करवाने की सोच रहे हैं प्लिंथ बीम के नीचे, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर आपका प्लिंथ बीम वहां का जो ग्राउंड लेवल है उसके बराबर है, तब आपको ब्रिक वर्क कराने या ना कराने से कोई फायदा नहीं। आप ब्रिक वर्क नहीं कराएं तो बेहतर है। दोस्तों, ब्रिक वर्क कहाँ जरूरी होता है मैं बताता हूँ। दोस्तों, जब आपका प्लिंथ ग्राउंड लेवल से 2-3 फीट ऊंचा रहता है या 4 फीट ऊंचा रहता है, तो वहां पे आप लोगों को ब्रिक वर्क कराना है। ठीक है, ब्रिक वर्क आपको कराना है तो ब्रिक वर्क कराने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप अपने प्लिंथ बीम से सबसे पहले तो 1100-1200 mm नीचे आप लोग खुदाई कर दें। ठीक है, सबसे पहले आपको खुदाई करने हैं, उसके बाद आपको PCC के लिए बेड बनाने हैं। ठीक है, ताकि आप तो डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर तो ब्रिक वर्क होगा नहीं, चुनाई तो आप करवाएंगे नहीं, तो सबसे पहले आपको खुदाई करना है। उसके बाद खुदाई करने के बाद जो आपका बेड तैयार होगा उसको दुर्मिस से कूटना है। जब आप PCC करेंगे, PCC की तराई करेंगे या PCC पे पानी मारेंगे, अगर आपकी मिट्टी कम्पैक्ट नहीं रहेगी तो आपकी PCC बैठ जाएगी। तो सबसे पहले आप बेड बना लेना है और बेड की अच्छे से कम्पेक्शन करा लेना है दुर्मिस से। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका बेड तैयार हो जाए उसके बाद आपको रिवर्स सैंड डालना है। ठीक है, आप रिवर्स सैंड डाल दें, उसके बाद आप उस पर PCC करें। PCC आपको 75 से लेके 150 mm तक रख सकते हैं, आप अपने अनुसार आप रख सकते हैं। मैं प्रीफर करूँगा कि आप 120 mm या 100 mm ही रखें PCC। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब आपका PCC हो जाएगा तब आपको क्या करना है, उस पर ब्रिक वर्क शुरू कर देना है। ठीक है, उसके ऊपर आप ब्रिक वर्क कर लें। दोस्तों, जब आपके घर के चारों तरफ प्लिंथ बीम के नीचे वाले दीवार की चुनाई हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस पर प्लास्टर करवाने हैं। प्लास्टर किस लिए कराने हैं, ताकि जो भी हमारा वायुमंडलीय प्रभाव होता है वो डायरेक्ट, अगर प्लास्टर नहीं करवाएंगे तो आपके वाल पे पड़ेगा, आपके दीवार पे पड़ेगा, दीवार की मसाले झड़ने लगेगी। तो इससे पहले आप प्लास्टर उस पर करवा लें, ताकि जितने भी छिद्र हैं आपके दीवार में उससे प्लास्टर रक्षा करेगा और प्लास्टर करने से आपको दीवार को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि प्लिंथ बीम के नीचे चुनाई कैसे करते हैं और कब करते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर आप प्लिंथ बीम की चुनाई करवाना चाहते हैं तो अगर आपका प्लिंथ बीम ग्राउंड लेवल के बराबर है तो चुनाई करवाना कोई ज़रूरी नहीं। अगर आपका प्लिंथ बीम 2-3 फीट ऊपर है तब आप खुदाई करवा के आप चुनाई करवा सकते हैं। चुनाई करवाने के बाद उसमें प्लास्टर करवा दीजिए, बाकी आपका प्लिंथ बीम के नीचे दीवार एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस कमाल के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं आप लोग तो कमेंट करके बताएं जिस टॉपिक पे चाहते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।